अभी इस तरह ये मैरून ऊन से पूरी सीधी सिलाई बुने। इस तरह हम क्रीम रंग की ऊन से ही पूरी सिलाई सीधी यहाँ तक बुनेंगे। ये क्रीम रंग की ऊन है, इससे इस तरह सीधी सीधी सिलाई बुनते जाए। क्रीम रंग की ऊन से हमने पूरी की पूरी सिलाई एक सीधी सीधी और एक सीधी दो सिलाई हमने सीधी सीधी बुन ली है। ये सीधी सीधी दो सिलाई बुन ली है हमने। अब मैरून ऊन से डिजाइन डालेंगे हम, जो डिजाइन हमने ये वाला डाला था, ये वाला जो डिजाइन डाला था हमने, ये वाला डिजाइन हम यहाँ पे डालेंगे। अब शुरू के दो फंदे सीधे बुने। एक फंदा ऐसे ही उतार लें, एक दो बुन लें, एक एक दो एक, इस तरह पांच फंदे करें। एक दो तीन चार पांच, पांच फंदों के डबल फंदे करने हैं। एक में दो बार लिपटा देना है, इसे ऐसे ही उतार लें। एक इस फंदों को बिना बुने ही उतारना है।
उल्टी सिलाई में एक ये तीन फंदे उल्टे बुने, इससे जो हमने सीधा उतारा था फंदा इसे ऐसे ही उतार लें। ये फंदे इस ऊन को पीछे को करें, पीछे करके फिर इसमें जो हमने एक के दो कर रखे थे उन्हें खोलें, एक इस तरह खोलें, तीन चार पांच इस तरह करके यहाँ से तरह सीधे फंदे बुने, पांच बार बुनना है इसे। एक ऊन को आगे लो, इसी के अंदर से बुनना है, दो ऊन को पीछे करो, तीन इस ऊन को आगे करके इसी के अंदर से बुनना है, चार उनको पीछे करके, इस तरह हमारे ये पांच फंदे पूरे हो गए। एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे होने के बाद इसको फिर उतार दे, इस तरह पीछे गिरा दे। ये आपका डिजाइन बन गया है। फिर उनको आगे लोक करके इसे इस तरह उतारें, फिर उनको पीछे कर दो, इस तरह इसे फिर गिराओ करो, दो तीन चार ये पांच, ये पांच फंदे इस सिलाई में उतार लो पहले, फिर यहाँ से सभी फंदे को बचा के रखना है, यहाँ से इस तरह यूं बुनना है। एक ऊन को धागे को ऊन को आगे लो, इसके अंदर से बुनना है, दो तीन चार ये पांच, पांच फंदे हमने बुन लिए। अभी से नीचे गिरा दो उनको इतना आगे करके, इसी तरह ये सारे सारा नमूना यहाँ तक बनाना है। ये इस तरह यूनियन बनी पड़ेगा।
ये उल्टी सिलाई बुनने के बाद सीधी सिलाई पूरी क्रीम ऊन से बुने, सीधी सीधी सिलाई बुननी है इस तरह। ये जो फंदा हमने ऐसी बिना बुने उतारा था इसको भी इसमें ही बुनना है ऐसे। इस तरह ही आपका डिजाइन बनेगा। पूरी की पूरी सिलाई सीधी ही बुनी है, उल्टी सिलाई भी सीधी बुनी है। उल्टी सिलाई भी सीध पूरी के पूरी सीधी ही बुननी है। इस तरह हमने दो सिलाई सीधी की सीधी बुनी है। अब सीधी सिलाई में फिर ये वाला डिजाइन डालना है। तो फंदे सीधे बुन ले, यहाँ डिजाइन डाल दें, एक में दो फंदे इस तरह डाल दें। पूरे सिलाई में इसी तरह ही डिजाइन डालें, एक फंदे में दो फंदे करें।
जो फंदे हमने सीधे बुन लिए, अब उल्टी सिलाई फिर एक दो बुन, दो सीधे उल्टे बुने, फिर इसे ऐसे उतार लें ऊन को पीछे ले जाके, क्योंकि जो तो 5 हमने डबल करे थे इन्हें खोलें, 4 5 इस तरह करके फिर इसे सीधे बुने। एक 5 बार बुनना है इसे। फिर उनको आगे लेके फिर इस फंदे को ऐसे ही उतारना है पीछे करके, फिर इसको उतारें 5 फंदे, फिर इसको इस तरह बुने।